फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री एंड यू आर वेलकम टू राजश्री recipes.com। आज हम चॉकलेट वॉलनट कुकीज़ बनाएंगे जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है और बनाने में और भी इजी है। तो देखते हैं आज इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और ये कैसे बनाते हैं। एक कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी है, ये हमारी जो रेगुलर चीनी है उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो आधा कप चीनी है, आधा कप चॉकलेट है। अगर चॉकलेट कंपाउंड नहीं मिलता है तो हम बच्चों की जो आती है बाज़ार में मिल्क चॉकलेट वो भी ले सकते हैं, आधा कप। आधा कप बटर जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, और एक चौथाई कप ये हमने लिया है अखरोट और वनीला एसेंस। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं वॉलनट चॉकलेट कुकीज़। सबसे पहले हम ये जो बटर लिया है हमने, इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसके साथ हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये 5 मिनट में बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइट एंड फ्लफी हो जाएगा, इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, वाइट कलर, क्रीमिश कलर हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप खुद ही देखेंगे एकदम क्रीम जैसा फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए शुरू हो गया होगा। ये देखिए कितना अच्छा हो गया, इसको करने में 5 मिनट लगे और ये एकदम कितना क्रीमी दिख रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, इसके कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। और अब हम इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर इसको छान के डालेंगे। पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा छान देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें अखरोट और चॉकलेट्स डाल देंगे। ये देखिए, वैसे ये सूखा नहीं होगा, इसका आटा आराम से लग जाएगा, इसका डो बहुत अच्छे से गुज जाएगा मेरा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी का ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा सूखा है और वो बंद नहीं रहा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दो तीन टेबलस्पून या जितनी ज़रूरत हो एक एक टेबलस्पून करके दूध डाल सकते हैं ताकि ये अच्छा सा हो जाएगा। देखिए हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है डो तैयार और इसमें हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये मैदा पे भी डिपेंड करता है, कई बार कोई मैदा ज़्यादा लेती है दूध और कोई कम। तो ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। और इसकी छोटे छोटे पोर्शंस लेकर, छोटे छोटे लोए लेकर हम इसकी कुकीज़ बना देते हैं ऐसे।
और हल्का सा इसको दबा देंगे। ये देखिए ये थोड़ी फैलेंगी, इसलिए हम इन्हें रखते वक्त ध्यान रखेंगे कि थोड़ा दूर दूर रखें। ये देखिए ये देखिए हल्का सा दबा दिया। अब हमें माइक्रोवेव को प्रीहीट करने भी रख देना है, कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए और तब तक अपनी ये कुकीज़ बन जाएंगी। ऐसे तैयार कर देते हम। लीजिए ये हमने कुकीज़ लगा दी हैं हमारी बेकिंग ट्रे में। अब हम इसको बेक करेंगे। हमारी ओवन के अंदर दो रैक्स आती हैं, एक थोड़ी ऊंची होती है एक थोड़ी नीची होती है। वॉलनट चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए हम ये नीची वाली रैक को काम में लेंगे। हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है तो चलिए ओवन में रखते हैं। यहाँ में रख दिया है और इस पे अब हम अपनी वॉलनट चॉकलेट कुकीज रख देते हैं। अब कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए इसको लगा देते हैं। कई कुकीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार कुकीज़ के अंदर कम टाइम लगता है, तो हम पहले 15 मिनट इसको बेक करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो हम लगा देते हैं। हमारी कुकीज़ रेडी हो गई है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम प्लेट से निकालेंगे। हो गई हैं और अब हम इसे कूलिंग रैक पे निकाल देंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं कुकीज़। मैंने कुकीज़ को 15 मिनट किया, फिर चेक करा और उसके बाद मैंने इसको 3 मिनट और लगाया। इस सब अलग अलग ओवन के अंदर अलग अलग टाइम का वेरिएशंस रहते हैं, तो इसलिए हमें इसको चेक करना पड़ता है। और चेक कैसे करेंगे वही हम उठा के देखेंगे। ये नीचे से अगर ब्राउन हो गई है दैट मीन्स हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। नीचे से ऊपर से थोड़ी बेकिंग ही हमें दिख रही हैं। कितनी सुंदर कुकीज़ दिख रही हैं। कूलिंग रैक पर रखना इसे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इसके नीचे से हवा निकलनी बहुत ज़रूरी है। जो पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी उसके बाद ना तो हमारी कुकीज़ चुई होंगी सौगी होंगी। जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाए उसके बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये देखिए हमारी कुकीज़। बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत ही अच्छी वॉलनट चॉकलेट कुकीज बनी है। अपने अनुभव राजश्री रेसिपीज .com पर शेयर करें और मेरा चैनल राजश्री रेसिपीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।